गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर बुलियन एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम इसका हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में। देखिए, बुलियन एलजेब्रा, एलजेब्रा हम सब जानते हैं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम नंबर्स की इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करते आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल के बारे में, जहाँ पर कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वह जीरो अथवा वन के रूप में होता है, तो वहाँ हमारा जो टॉपिक आता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलजेब्रा में आ जाता है। और ये जो एलजेब्रा है हमारी, इसको हम बुलियन एलजेब्रा बोलते हैं। सबसे पहले इस अल्जेब्रा के बारे में जिसने फॉर्मेशन किया था, वो किया था जॉर्ज बुल ने। इसको एक मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश के मैथमेटिशियंस, उन्होंने इसको डेवलप किया था कि आपके जो बाइनरी जो सिग्नल्स हैं वो किस प्रकार से उनको आप डिफाइन कर सकते हो। उस पूरे मेथड को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बुलियन अल्जेब्रा, इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, उसको डिज़ाइन किया था। बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं इसको हम, या इसको लॉजिक अलजेब्रा या स्विचिंग अलजेब्रा भी कहा जाता है। स्विचिंग अलजेब्रा क्यों कहते हैं इसको अपन, क्योंकि यहाँ हम जो बात करते हैं वो जीरो अथवा वन के रूप में करते हैं, आइदर ऑन आइदर ऑफ। जैसे अगर हम ऑन कहेंगे तो वन हमारा ऑन कहलाता है और जीरो हमारा ऑफ कहलाता है। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। जब आप जीरो डिजाइन करेंगे तो आपका ऑफ हो जाता है, और वन जब करोगे आप तो ये ऑन कहलाता है। इसलिए इसको हम स्विचिंग भी बोलते हैं। लॉजिक, क्योंकि लॉजिक्स की टर्म में बात कर रहे हैं अपन, लॉजिक की टर्म में जब बात करते हैं तो जीरो और वन को हम अलग टर्म से डिफाइन कर देते हैं, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। हम बोलते हैं या तो सिग्नल हमारा ट्रू है और आइदर इट इज फॉल्स है, तो यहां उसको हम बोलते हैं लॉजिक, दिस वन। नाउ अब हम कुछ इसके जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनकी बात करेंगे। पहला जो हमारे इसमें आता है फंडामेंटल, वो आता है लॉजिकल स्टेटमेंट। कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एक साधारण इंग्लिश भाषा में समझे हम, कि आपने कोई भी कथन कहा है वो क्या है, आपका एक स्टेटमेंट कहलाता है। जब आप लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करते हो तो बेसिकली क्या है, एक रीजनिंग, ह्यूमन रीजनिंग है ये। लॉजिक इज बेसिकली ह्यूमन रीजनिंग दैट टेल्स एस इफ सर्टेन प्रोपोजिशन और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि कोई भी जो स्टेटमेंट आपने दिया, कोई बात आपने कही, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्विच इज ऑन, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है कि एक स्विच ऑन है। अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपने रूम में देखा कोई स्विच ऑन है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ऑन है, अदर ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि पंखा चल रहा है, तो आप देखेंगे कि फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फैन चल रहा है तो आप कहेंगे कि आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और अगर वो नहीं चल रहा है तो आप कहेंगे कि आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब अपन इसको अगर बाइनरी के टर्म में अपन, या अपने बुलियन के टर्म में बात करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको कि एग्जाम्पल के रूप में लिखा ए प्लस बी डॉट सी, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। और किन किन कंडीशंस के लिए हम इसको देखेंगे अपन, आगे जब पढ़ेंगे आगे सब्जेक्ट को, तब देखेंगे कि ए बी सी इनकी किन किन वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट आइदर ट्रू है या आइदर फॉल्स है। तो इस प्रकार से हम यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम किसी भी स्टेटमेंट को डिफाइन यहाँ पे करेंगे, और उसको फिर टेस्ट करेंगे कि वो किस किस कंडीशंस के लिए या किस किस इनपुट के लिए वो ट्रू है, और किस किस आउटपुट के लिए वो, इनपुट्स के लिए वो फॉल्स स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट अपन ने समझ लिया कि एक ह्यूमन रीजनिंग का एक प्रपोजिशन है जिसमें कि पॉसिबिलिटी होगी, या इधर वो ट्रू होगा या इधर वो फॉल्स होगा, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। और जब हम उसको बुलियन के टर्म में बात करेंगे तो वहाँ हम कुछ वेरिएबल्स की सहायता से आगे देखेंगे अपन इसकी परिभाषा को, कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग और कुछ ऑपरेटर्स की सहायता से हम उसको, हमारे जो इक्वेशन है उसको डिफाइन करते हैं, और इक्वेशन की हम जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स जो हमारा बुलियन में आता है उसको हम जीरो अथवा वन से दर्शाते हैं। ट्रू के लिए हम वन काम में लेके चलते हैं और फॉल्स के लिए हम जीरो काम में लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो यहाँ बात आती है
वो आती है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो आपकी बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो लॉजिकल बेसिक जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं फंडामेंटल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशंस। ये तीनों ऑपरेशंस बकायदा पूरी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इसका ब्रीफ ही आइडिया लेंगे कि जो बेसिक जो हमारे हैं वो तीन ऑपरेशंस हैं, आइदर हम एंड करते हैं, आइदर और करते हैं, नॉट करते हैं। एंड मतलब इस तरीके से आप देखा जाए इसको हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड ऑपरेशन होता है, अगर आप दो या तीन वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं तो और ऑपरेशन कहलाता है, और अगर किसी को आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी वेरिएबल का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो वो जो कहलाता है वो नॉट ऑपरेशन कहलाता है। ये तीन बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। उसके अलावा फिर इनके द्वारा और भी ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं, पर मूलभूत आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी बुलियन अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, तो आप ये तीन ऑपरेशन बताएंगे, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ये सेम नाम आपको गेट्स के भी आगे मिलने वाले हैं, तो अपन सारी चीज़ें इसमें साथ में एक साथ आगे से आगे पढ़ते चलेंगे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट की बात हमने कर ली और लॉजिकल ऑपरेशंस की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आए दो डेफिनेशंस और आती हैं, वो आता है एक तो लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट जैसे कि अपन हमेशा मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट मतलब जिसका कि मान फिक्स रहता है, निहित रहता है, उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसके कि मान में परिवर्तन संभव हो पाता है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर, तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो डिजिटल में काम करती है, तो यहाँ आपकी दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, तो ये दोनों हमारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो है, वन वन है। अगर हम आगे बात करें वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल वही जो सेम नॉर्मल डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, कि जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब बुलियन अलजेब्रा में जो हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसको हम कैपिटल ए बी सी डी से डिफाइन कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आप चाहें, एक्स वाई जेड, ये जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं कैपिटल के अंदर, ये हमारे वेरिएबल्स जो काम में आते हैं बुलियन अलजेब्रा के अंदर। और वैल्यू इनकी क्या पॉसिबल है, जैसे सपोज आपने ए ले लिया, तो ए पॉसिबल है कि वो जीरो हो सकता है और या वन हो सकता है, सिमिलरली बी आइदर जीरो आइदर वन, सिमिलरली एक्स वाई जेड। तो ये जो हम इंग्लिश लाइक कैपिटल वर्ड्स, स्मॉल नहीं, कैपिटल जो वर्ड्स काम में लेकर चलते हैं, ये हमारे बुलियन अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स कहलाते हैं। लास्ट जो इसमें डेफिनेशन आपकी पहली पॉइंट में आती है, वो आती है ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ एनी बुलियन फंक्शन और गेट, जो भी आप काम में लेके चल रहे हो। बुलियन अलजेब्रा की जब टर्म बात करोगे तो बुलियन फंक्शन की बात करेंगे, कि हमने कोई भी फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है, उस फंक्शन के इनपुट तथा आउटपुट के मध्य जो संबंध दर्शाने के लिए हम सिस्टम काम में लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बुलियन आपका ट्रुथ टेबल कहलाती है। सपोज एक इक्वेशन आपने वाई बाय इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आपने डिफाइन करी हमारे यहाँ पर, एक बुलियन एक्सप्रेशन डिफाइन कर दी, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ इनपुट हमारे क्या क्या हो गए, ए और बी हमारा यहाँ पे इनपुट हो गया, ए इज वन इनपुट, बी इज द सेकंड इनपुट, दो इनपुट हो गए हमारे, और आउटपुट हमारा यहाँ पर है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये बेसिकली ए प्लस बी हो रहा, तो ये हमारा यहाँ पे और ऑपरेशन यहाँ पे हमारा परफॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, ए और बी के भिन्न भिन्न मानों के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को डिफाइन करते हैं। जैसे बी की दोनों कंडीशंस क्या रहेगी, आइदर दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, आइदर इनमें से ए ज़ीरो बी वन है, या ये वन है ये ज़ीरो है, या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है कि दोनों ही हमारे वन हो। तो इनपुट की चार पॉसिबिलिटी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे आउटपुट होंगे उनको यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, और उस प्रकार से हमारी जो टेबल डिज़ाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रुथ टेबल कहलाती है। तो कोई भी बुलियन फंक्शन है उसको हम ट्रुथ टेबल की सहायता से उसके रिजल्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस यहाँ पर आती हैं, जिसकी की सहायता से हम हमारे बुलियन अलजेब्रा को आगे सिंप्लीफाई और सॉल्व करते हैं। बेसिकली इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहली बात तो कोई भी बुलियन फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, और सेकेंडली उस बुलियन फंक्शन को फिर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे जो टर्म्स काम में आएंगी उनको आपको समझना है। तो
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे फर्दर टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे। थैंक यू।